अब देखते हैं मेरे प्यारे भाई तीसरे सवाल के विषय में, जहां पर हम देखेंगे कि जो परमेश्वर के लोग होते हैं उनका अंजाम क्या होता है, परमेश्वर के लोग होते हैं उनका क्या अंजाम होता है। 30वें और 31वें वचन को यहां मैं पढ़ूंगा, भजन संहिता 69वें अध्याय को। यहां पर दाऊद कहते हैं, मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा और धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई करूंगा। यह यहोवा को बैल से अधिक वरन सिंह और खुर वाले बैल से भी अधिक भाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां दाऊद कह रहे हैं कि मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा और धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई करूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, इब्रानियों के पत्री उसका 13वां अध्याय उसके 15वें वचन में लिखा है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो मसीही विश्वासी हैं वो हमेशा परमेश्वर का अंगीकार करते हुए, प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार और उस पर विश्वास करते हुए अपने धन्यवाद भेटों को उस पर सर्वदा चढ़ाएंगे। और इस प्रकार से मेरे प्यारे बहनों, जब वो अपने जीवन को जिएंगे, तब यहां हम 35वें और 36वें वचन में पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर सय्योन का उद्धार करेगा और यहूदा के नगर को फिर बसाएगा और फिर वहां लोग बसकर उसके अधिकारी हो जाएंगे, उसके दासों का वंश उसको अपने भाग में पाएगा और उसका नाम के और उसके नाम के प्रेमी उसमें वास करेंगे। यानी कि उस नए यरूशलम में जिसके विषय की चर्चा हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमारे सब आंसू पोछ डालेगा, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में होगा और वो नई धरती नया आकाश होगा और नया यरूशलम होगा जिसमें उस प्रतिज्ञा के भागी लोग उसमें वास करेंगे। मेरे प्यारे मेहमानों, गलातियों की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसके 29वें वचन में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम विश्वासी इब्राहिम की उस प्रतिज्ञा के वंश के अधिकारी हो जाते हैं, वारिस हो जाते हैं, जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने इब्राहिम से की थी। और हमने इब्रानियों की पत्री में पढ़ा कि वो प्रतिज्ञा अभी पूरी नहीं हुई है, वो प्रतिज्ञा अनंत जीवन की है। तो हम भी उस प्रतिज्ञा के भागी हो जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उस नई यरूशलम के वासी बन जाएंगे जिसे परमेश्वर फिर से बनाएगा, परमेश्वर सय्योन का उद्धार करेगा। सय्योन क्या है ये आप जानते ही हैं, सय्योन वो दाऊदपुर है, वो यरूशलम का गढ़ है जिसे सय्योन पर्वत कहा जाता है, लेकिन यहां पर जो बात हो रही है वो स्वर्गीय सय्योन की हो रही है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर के ग्रहण योग्य लोग हैं, वो अनंत जीवन में उसके साथ रहेंगे और उसके नाम के प्रेमी, जो उसके नाम के प्रेमी है, प्रभु के नाम के जो प्रेमी हैं, उसमें वास करेंगे, उस नए स्थान में वास करेंगे जहां ना दुख होगा, ना तकलीफ, ना पीड़ा, ना मृत्यु, और वो हमारे सब आंसू पोछ डालेगा।